हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, आप देख रहे हैं एसएजी ऑल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं इस ईयर, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बी फार्मा में फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और कितने सेमेस्टर होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, उसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। 1 साल में 2 सेमेस्टर का आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो आज उन्हीं सेमेस्टरों के बारे में हम, जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, जहाँ पे आपके कॉलेज और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया फ्रेंड्स, तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे CUET एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल पर वीडियो और टेलीग्राम पर PDF ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वह है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें फ्रेंड्स ए पार्ट 1 है, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कराया जाता है। क्या कराया जाता है? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। मतलब थ्योरी एक बार पढ़ा दिया जाता है फ्रेंड्स, उसके एक दिन बाद या उसी दिन टीचर आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं लैब में ले जाकर। और अगला जो है फ्रेंड्स, वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। क्या है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और यह, इसमें भी फ्रेंड्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है, इसका भी आपको प्रैक्टिकल देना होगा। अगला है फ्रेंड्स फार्मास्यूटिक्स, जिसमें फ्रेंड्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है। और चौथे नंबर पे जो है सब्जेक्ट, वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है। इसमें फ्रेंड्स ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लास 12th के ही होते हैं, तो अगर आपने 12th में केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आगे चलकर आपको, बस इंग्लिश में सब होगा। अगला है कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ फ्रेंड्स कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया जाता है, कैसे मेडिसिन वगैरह के बारे में रिव्यू देना, इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होगा। और जो लास्ट है 6th नंबर पर, वो है फ्रेंड्स रिमेडियल बायोलॉजी एंड रिमेडियल मैथमेटिक्स। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 12th में मैथ से पढ़कर जाएंगे तो वहाँ आपको थोड़ा बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा तो वहाँ पर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट के। चलिए सेकंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में है फ्रेंड्स, उसी का पार्ट 2 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 2 है, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है। और दूसरे नंबर पर जो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है। और तीसरा थोड़ा चेंजेस सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें बायोकेमिस्ट्री है। मतलब केमिस्ट्री में जो थोड़े बहुत केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो थोड़े बहुत केमिस्ट्री के टर्म्स होते हैं, उसमें कंडीशन पढ़ाई जाती है आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के साथ। और चौथा जो है फ्रेंड, पहला फिलॉसफी है, जो कि आपको इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, इसमें प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा। और पाँचवा जो है फ्रेंड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स, यहाँ कंप्यूटर द्वारा या आप कह सकते हैं डिजिटल तरीके से आपको फार्मेसी के बारे में पढ़ाया जाएगा, मेडिसिन वगैरह का अनुपात निकालना या कंप्यूटर से उसका कैलकुलेशन करना, इसके बारे में बताया जाएगा। और जो 6th नंबर पे फ्रेंड्स, वो है इन्वायरमेंटल साइंस। क्या है? इन्वायरमेंटल एंड साइंस, जिसमें थ्योरी होगा फ्रेंड्स, यहाँ के बारे में बताया जाएगा आपको इन्वायरमेंटल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हो गए थे टोटल 12 सब्जेक्ट, 6 फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट और सेकंड सेमेस्टर में, मतलब 1 साल में आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ये थे फ्रेंड्स कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी। अगर अगर आपको और कुछ भी पूछना है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट में और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो पूरे तैयारी से लगे रहिए, क्योंकि सारे वीडियोज मैंने डाल दिए हैं फ्रेंड्स। और टेस्ट का तो भी कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको टेस्ट की वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग टेस्ट ज्वाइन करके देना शुरू कर दीजिए। बाकी उसका लिंक भी मैं वेबसाइट का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थोड़ी आवाज़ में गड़बड़ी होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।